बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिद है, आप देख रहे हैं टेक्निकल रहमानी, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग की अपकमिंग डिवाइस यानी कि गैलेक्सी A31 के बारे में, जो कि कन्फर्म हो चुका है जून के महीने में इंडियन मार्केट में लॉन्च होने जा रहा है, और इसकी जो नेक्स्ट प्लेस है वो पाकिस्तानी मार्केट है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस मोबाइल फ़ोन की कन्फर्म स्पेसिफिकेशंस, और साथ में ये भी ये पाकिस्तानी मार्केट में कब और किस प्राइस टैग में आने वाला है। तो हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए लाइक तो कीजिएगा ही, साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर आने वाले न्यू मोबाइल की अपडेट मिलती रहे। ज़्यादा बोर नहीं करता, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मोबाइल फ़ोन के डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी को डिस्कस कर लेते हैं। तो डिज़ाइन में तो अब की बार आपको कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा, सेम टू सेम आपको यहाँ पर गैलेक्सी A51 वाला ही डिज़ाइन मिलने वाला है, यानी कि मोबाइल के बैक पर आपको रेक्टेंगुलर शेप में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। वहीं पर बात करें इस मोबाइल फ़ोन के बिल्ड क्वालिटी की, तो अब की बार आपको यहाँ पर गिलास्टिक की नहीं बल्कि पॉलीकार्बोनेट की बिल्ड क्वालिटी मिलने वाली है। डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर 6.4 इंचज का सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, जहाँ पर पिक्सल रेजोल्यूशन 1080x2400 की है। देखा जाए तो यहाँ पर डिस्प्ले में भी आपको कोई चेंज नहीं मिलने वाला, सेम टू सेम गैलेक्सी A51 वाला ही डिस्प्ले है। लेकिन दोस्तों, सैमसंग के डिस्प्ले हमेशा से ही लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं, और सैमसंग हमेशा से ही मिड रेंज स्मार्टफोन्स में भी काफ़ी अच्छे डिस्प्ले देता है। यहाँ पर पिक्सल डेंसिटी की बात करें तो 411 PPI की पिक्सल डेंसिटी है। इसके साथ इस मोबाइल फोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, देखना यह है यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर को कितना ज्यादा इंप्रूव किया जाता है, क्योंकि हम बात करें अगर गैलेक्सी A51 की, तो वहां पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर बहुत ज्यादा स्लो था। इवन के कई बार आपको एडजस्ट करना पड़ता था अपना थंब, तब जाकर कहीं आपका मोबाइल फोन अनलॉक होता था। लेकिन वहां पर जो फेस अनलॉक था वो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर से काफी ज्यादा फास्ट था। तो अब यहाँ पर कितना ज्यादा इंप्रूव किया जाता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर को, ये देखने वाला होगा। इसके साथ वेरियंट्स की बात करें तो दो वेरियंट एक्सपेक्टेड है पाकिस्तानी मार्केट के लिए, 4GB 64GB 6GB 128GB। दोनों वेरिएंट्स की प्राइस एंड में चलकर डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर वेरिएंट तो दो हैं, लेकिन कलर्स आपको तीन मिलने वाले हैं, प्रिज्म क्रश रेड, प्रिज्म क्रश ब्लू और प्रिज्म क्रश ब्लैक। लेकिन हो सकता है पाकिस्तानी मार्केट में प्रिज्म क्रश व्हाइट को भी उतार दिया जाए। इसके साथ इस मोबाइल फोन में आपको एंड्रॉयड 10 प्री इंस्टॉल मिलने वाला है। मोबाइल के कैमरास की बात करें तो बैक पर क्वाड कैमरा सेटअप है 48 MP के मेन सेंसर के साथ, 8 MP का अल्ट्रा वाइड है, 5 MP का डेप्थ सेंसर और 5 MP का मैक्रो लेंस है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट पर आपको वाटर ड्रॉप नॉच की शक्ल में 20 MP का सेल्फी शूटर मिलने वाला है। अब इस मोबाइल फोन की कैमरा परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा शानदार होने वाली है। इवन मुझे गैलेक्सी A51 की कैमरा परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा पसंद आई थी, लेकिन जैसे ये मोबाइल फोन लॉन्च होगा हम इसकी कैमरा परफॉर्मेंस को जरूर जज करेंगे। इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो भी आप लोगों के लिए जरूर लेकर आएंगे। तो अगर आप ये वीडियो मिस नहीं करना चाहते, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ मोबाइल में आपको 5000 mAh की काफी बड़ी बैटरी मिलने वाली है। अब इतनी बड़ी बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको यहाँ पर फास्ट चार्जिंग भी मिलने वाली है। गैलेक्सी A31 में भी गैलेक्सी A51 की 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग ही मिलेगी, लेकिन डिसपॉइंट मत हो जाइएगा 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग है सुनकर, क्योंकि ये सैमसंग की फास्ट चार्जिंग है। अगर हम सैमसंग की 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग को किसी दूसरे ब्रांड की 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग से कंपेयर करें तो कोई ज्यादा फर्क आपको देखने में नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, जैसे ही मोबाइल फोन लॉन्च होगा हम इस मोबाइल फोन की चार्जिंग टेस्ट की वीडियो भी जरूर लेकर आएंगे। अब एंड में बात कर लेते हैं इस मोबाइल फोन की चिपसेट की, तो ये एक पॉइंट है दोस्तों जहां पर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहां पर अब की बार एक्सिनोज नहीं बल्कि MediaTek का हीलियो P65 का प्रोसेसर मिलने वाला है, जो कि प्राइस टैग के हिसाब से थोड़ा सा लो है। लेकिन दोस्तों, जहां पर आपको इस हर एक स्पेसिफिकेशन इतनी हाई मिल रही है, तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा। मैं हमेशा से ही कहता हूं मिड रेंज स्मार्टफोन्स कभी भी परफेक्ट नहीं होते, कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और यही एक पॉइंट है इस मोबाइल फ़ोन में जहां पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आपको इतना गिरा हुआ चिपसेट भी नहीं है दोस्तों, जैसे ही मोबाइल फ़ोन लॉन्च होगा हम इसके ऊपर पबजी वगैरह को भी ज़रूर टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। ये स्मार्टफोन अगर हम इसकी लॉन्चिंग डेट की बात करें तो ये जून के एंड तक पाकिस्तानी मार्केट में एक्सपेक्टेड है, लेकिन दोस्तों अभी कन्फर्म नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो कोरोना का सीन है काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुका है। हुकूमत दोबारा से ये फैसला करने जा रही है कि दोबारा से लॉकडाउन स्टार्ट किया जाए।
अगर तो दोबारा से लॉकडाउन स्टार्ट हो जाता है तो फिर ये थोड़ा सा और लेट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर लॉकडाउन को दोबारा स्टार्ट नहीं किया जाता, सिचुएशन यही रहती है जो इस वक्त पाकिस्तानी मार्केट की है, तो एक्सपेक्टेड है ये जून के एंड तक पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च कर दिया जाएगा। प्राइस की बात करें तो इसका जो बेस वेरियंट है यानी कि 4GB 128GB की प्राइस आपको अंडर 40,000 में देखने को मिलेगी, जबकि दूसरा वेरियंट यानी 6GB 128GB की बात करें तो आपको यहाँ पर प्राइस 45,000 से 48,000 के दरमियान कहीं पर भी देखने को मिल सकती है। पर्सनली दोस्तों मुझे इस मोबाइल फोन का काफी बेसब्री से वेट है, क्योंकि इसके अपर वेरिएंट यानी गैलेक्सी A51 की बात करें तो पाकिस्तानी मार्केट में काफी ज्यादा फेमस हुआ था, लेकिन इस मोबाइल फोन को उस मोबाइल फोन से थोड़ा सा लो प्राइस टैग में पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया जा रहा है। तो ये एक अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ अगर गुड प्राइस में पाकिस्तानी मार्केट में आ जाता है तो भाई तबाही होने वाला है। आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा, क्या आप इस स्मार्टफोन का वेट कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आई तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको हर आने वाले न्यू मोबाइल की अपडेट मिलती रहे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।